कांग्रेस का काम, सामाजिक काम, अमेठी में ऐसे तमाम सारे आयोजनों में साथ साथ आनंद मिला, आज भी आनंद मिलेगा। सही है कि मैं कवि हृदय हूं, कविता प्रेमी भी हूं, और पूज्य महाराज जी को इसका श्रेय जाना चाहिए कि उन्हीं के संस्कारों से, उन्हीं के वातावरण में जो साहित्यिक एक एटमॉस्फेयर अमेठी में है, वो अभी भी किसी न किसी रूप में बरकरार है। अमेठी का अगर इतिहास देखें तो मैं गौरवान्वित हूं इस बात से कि हमारे पूर्वजों में एक से एक बड़े कवि हुए। इस 32 पीढ़ी में शौर्य, वीरता, कविता, साहित्य, संस्कार, इस सब का वर्चस्व रहा इस परिवार में, और मुझे खुशी है कि आज भी उसी वातावरण में पैदा हुआ, बढ़ा, भला बड़ा हुआ, साहित्य और राजनीति में पैर रखा और उसी के पल्लवित पुष्पित होते हुए आ हजारों विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करते हैं। और हमारी हर समय कोशिश रहती है कि जो अमेठी के गौरव, अमेठी के प्रणेता, अमेठी के बनाने वाले, बढ़ाने वाले, नाम देने वाले राजर्षि रणजय सिंह जी के उसी रास्ते पर अमेठी चले, इसका हर समय प्रयास रहता है। राजनीति में भी श्री संजय गांधी, इंदिरा जी, राजीव जी और उनके बाद सोनिया जी ने जिस तरह से कांग्रेस को, अमेठी को संभाला, बढ़ाया, बचाया और यहां तक कि सत्ता में भी वो कांग्रेस को लाई, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व कभी भी कांग्रेस नहीं भूलेगी, कभी भी अमेठी नहीं भूलेगी। मैं सभी सम्मानित कवियों का, अपनी बहनों का।